हेलो एवरीवन वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज के एक बहुत ही स्पेशल दिन पर आप सभी लोगों के लिए हमारा आई स्पेशल सेशन लेकर आपके सामने हूँ म्यूट ऑफ करना मैं भूल गई थी बट कोई दिक्कत नहीं है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मोनालिसा ज्योति वर्षिका अर्पिता पीयूष अंजू आई होप कि अभी मेरी वॉइस आ रही है है ना मैं म्यूट ऑफ करना भूल गई थी चले सबसे पहले बात तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे रिपब्लिक ही है या इंडिपेंडेंस विश करते चल रहे हो सुबह से तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को और हैप्पी बसंत पंचमी करें स्टार्ट आज का हमारा सेशन नहीं नहीं चलो जल्दी जल्दी से वीडियो को अभी शेयर कर देंगे सभी लोग आ जाएंगे क्योंकि आईसीटी का आज मेरी मैराथन सीरीज है 2021 के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर सवाल जो आप लोगों के मेरे हिसाब से इस सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हम उन्हें आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो जल्दी से शेयर कर दो ओके जी अगर आप सभी लोग फौधी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर डेली ग्यारह बजे मैं अपना सेशन लेकर आती हूँ पेपर वन का ठीक है सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दें जैसे कि आप सब जानते हो रिपब्लिक डे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है इसीलिए आप सभी बच्चों के लिए फ्लैग टेन कोड हमने लगाया है जो कि 26 तारीख और 27 तारीख दो दिन के लिए वैलिड होने वाला है कोई भी कोर्स लो आप या कोई भी टेस्ट सीरीज लो किसी भी तरीके से कोई भी परचेज अगर आप लोग जे आर एफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाके करते हो तो आप सभी लोगों को दस का एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे आईओ ऐप का तो अब आप लोगों के लिए जो जे आर एफ अड्डा एप्लीकेशन है वो आईओ पर भी मौजूद है साथ ही साथ अगर आप लोग वेबसाइट जाके देखोगे जे आर एफ अड्डा डॉट कॉम तो आप लोगों को वेबसाइट भी मिल जाने वाली है वेबसाइट पे कंप्लीटली आपके सारे वीडियो कोर्सेज भी वेबसाइट पे चलेंगे आपकी पूरी टेस्ट सीरीज भी आप वेबसाइट पे चला सकते हो तो एक कंप्लीट सीबीटी एनवायरमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया गया है राइट तो आपके लिए दो और बड़ी खुशखबरी है ठीक है जी टेस्रीज नौ हज, नौ सौ निन्यानवे रुपए की है आप लोगों की पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों इसमें मिलेंगे मॉक टेस्ट केवल पेपर लोगे तो छह सौ रुपए की है उसमें आपको दस पेपर वन के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कोर्स आपको पता ही है आप लोगों का सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन ओनली में है और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज में आपके हैंड रिटन नोट्स भी हो जाएंगे विद कोर्स ठीक है जी कोर्स के डिलीवरी के लिए आप अभी से मान लीजिए कि लगभग दस दिन के अंदर आप लोगों के घर पे कोर्स डिलीवर हो जाएगा हैंड रिटन नोट्स वाला ठीक है जी आज से आप लगा लीजिए हिसाब क्वेश्चन नंबर वन के साथ में शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मजे से आपके क्वेश्चन नंबर वन को हम लोग सॉल्व करेंगे नोट्स अलग से अभी आए नहीं है अंजलि है ना नोट्स अलग से नहीं है अलग से अभी आएंगे अलग से उसकी प्राइस भी अलग होगी ठीक है अभी कोर्स के साथ में नोट्स मिल रहे हैं ठीक है ठीके? हाँ जी एप विंडो पे आ, स्टार्ट हो गई है मतलब ब्राउजर वर्जन आप लोगों के लिए आ गया है एप का <laughs> चलो <laughs> हाँ जी कंप्यूटर पे टेस्ट हो जाएगा गिवन बिलो आ टू स्टेटमेंट असर्शन कह रहा है द पर्पज अंडरलाइन मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स रीजन ये कह रहा है एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम हैज बी लिंक्ड विद एनहैंसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशंस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है right? कोई हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी के अंदर भी है क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए असर्शन और रीजन दोनों हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बार ही लड्डू मिलने चाहिए बिल्कुल मिल सकते हैं लड्डू बट मैं कैसे डिजिटल लड्डू खिलाऊं आपको चलिए बताइए मुझे क्या होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए आप सब लोगों को पता है मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड सॉल्यूशन जो है उसकी मदद से आपके लर्निंग आउटकम ऑप्टिमाइज हो ही जाते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जिसमें आप सभी लोगों का टीचिंग एड आता है और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आते हैं ये दोनों ही चीजें आईसीटी की मदद से है ना डिजिटल वे के अंदर अगर हम लोग बात करें ई लर्निंग के अंदर हम लोग बात करें तो लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज करता है इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो सकता है इमेजिन करिए कि आप एक ऑफलाइन कोचिंग में गए हो और आज आप एक ऑनलाइन क्लास देख रहे हो ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग सालों साल आप लोगों के लिए यूट्यूब पे रहेगी आप कभी भी देख सकते हो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने मजे से देख सकते हो बट अगर मैं बात एक ऑफलाइन क्लास में जब आप जाते हो तो आपको उस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है वो उसी वक्त के लिए है मान लीजिए वही टॉपिक आपको दोबारा से रिपीट करना है तो आपको वेट करना होगा दोबारा से जब टीचर वो क्लास लेगा ऑफलाइन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है तो जैसे जैसे आईसीटी आया है वैसे वैसे आपके लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव हुए हैं क्यों क्योंकि आप अपनी मर्जी से अपने पेस पे लर्न कर सकते हो ईज एक्सेस एंड इक्विटी तीनों चीजें हमको मिली है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होते हैं सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं ये आपके एनहांसमेंट विद द लर्निंग कंडीशन को यू नो इंक्रीज करने के लिए बनाए गए हैं लर्निंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए बनाए हैं बिल्कुल बनाए हैं जब असर्शन सही होता है रीजन सही होता है तो बीच में हम क्या लगाते हैं बीच में हम लगा देते हैं बिकॉज बिकॉज लगा के पढ़िए बिल्कुल ठीक तरीके से आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ होगा जब लर्निंग कंडीशन के अंदर एनहांसमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली लर्निंग आउटकम्स तो आप लोगों के इंप्रूव हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों से कह रहा है कि एक आईटी कंपनी ने रिसेंटली प्रोड्यूस किया एक नया लैपटॉप मॉडल जो कि बहुत ही कम पावर को यूज़ करता है साइज में भी छोटा है और वजन में भी कम है तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्या इसके अंदर हमने यूज़ किया है जिसकी वजह से ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं फास्टर रैम है ब्लू रेड ड्राइव है इसके अंदर सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव है हार्ड ड्राइव है या फिर एलसीडी टेक्नोलॉजी है ऐसा क्या हमने इसमें यूज किया है बहुत ही फेमस और बिल्कुल ही घिसा पिटा लुच्चू पुचू टुचू टाइप का क्वेश्चन है ये हमने इतनी बार इसको किया है ठीक है ना अभी तो आईटी कंपनी की बात है पहले इसको पूछता था कि राम ने क्या किया एक नया लैपटॉप खरीदा है जो बड़ा हल्का है पावर भी बड़ी कम कंज्यूम करता है ऐसा क्यू है राइट हम सभी लोग जानते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही वेरी गुड सभी लोग करेक्ट आंसर दिए हैं दैट इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव हमने यहाँ लगाई है होती क्या है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव हमारे लिए मैम ये भी हमारी एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी है एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी है जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए होती है एस एस डी और ये एस एस डी पहली बार कौन से लैपटॉप्स में आई थी आप सभी लोग जानते हैं मैम एप्पल के लैपटॉप्स में सबसे पहले ये आई थी मैकबुक के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इसे यूज किया था आज के जमाने में तो बहुत सारे लैपटॉप्स में अभी आने लग गई है ऑलमोस्ट सभी के अंदर आने लग गई है दिस इज न्यू जनरेशन राइट अब एक बात मुझे बताइएगा यहां पर लिखा है रैम यहां पर लिखा है ब्लू रे ड्राइव यहां लिखा है एलसीडी एलसीडी क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आई होप कि आपको रिमेंबर करोगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मुझे यहां पर आप सभी लोगों से इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछनी है मुझे बताइएगा ना जी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मुझे एक बात बताओ अगर मैं आप सभी लोगों को इन सभी मेमोरीज को रीअरेंज करने के लिए बोलूं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर किसके अंदर बोल रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज करो असेंडिंग मतलब सबसे कम स्पीड किसकी है और सबसे तेज स्पीड किसकी होगी इसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको स्पीड के असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसे लगाना है स्पीड के asc के असेंडिंग ऑर्डर अंदर आप इसे लगा के मुझे बताइए इनमें से सबसे तेज कौन सा होगा सबसे तेज देखो ऊपर की तीन ही बता सकते हो एलसीडी टेक्नोलॉजी तो नहीं बताओगे एलसीडी तो अलग है वो तो मैम डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए यूज होता है यानी कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फास्टर रैम है ब्लू रे ड्राइव है और एक आप लोगों का सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव है इनमें से सबसे तेज कौन सा होगा बताइए जी कौन सा तेज होगा मैम एस एस डी रैम फिर ब्लू रे मतलब आप कह रहे हो ब्लू रे सबसे नीचे आएगा और कोई देखो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो हमारी तेज होती है मैम हमारे हार्ड ड्राइव से हमारे हार्ड ड्राइव से तो तेज होती है बट ये भी तो एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी ही है यानी कि जो रैम है वो इससे तो तेज होने वाली है भाई रैम जो है वो डेफिनेटली एसएसडी से तो तेज होने वाली है ना क्योंकि वो रैम है प्राइमरी मेमोरी है ये सेकेंडरी मेमोरी है पहली बात तो ये अब ब्लू रे के बारे में मुझे बताएगा कोई ब्लू रे क्या होता है ब्लू रे एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसने कौन सी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया है मैम डीवीडी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया है जैसे कि ग्लासेस में भी ब्लू रेज लगते हैं ब्लू रेज एक्चुअली में आपके क्वालिटी इंप्रूव करने के क्या है टेक्नोलॉजी है जैसे कि आपके ये ग्लासेस कैसे होते हैं ब्लू रे ग्लासेस होते हैं जो क्या करते हैं लाइट को पेनिट्रेट करने से रोकते हैं इंफ्रा रेड रेस को पेनिट्रेट करने से रोकते हैं अगर स्टोरेज यूनिट की मैं बात करूं तो जो आप लोगों का डीवीडी यानी कि जो ऑप्टिकल स्टोरेज इंडस्ट्री है उसमें एक नया रेवोल्यूशन आया जिसका नाम है ब्लू रे ड्राइव ब्लू रे जो है वो किससे अच्छा है डीवीडी से अच्छा है बट अच्छा क्या ब्लू रे रैम से अच्छा हो सकता है या तेज हो सकता है बताइए जी ऐसा नहीं है है ना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है रैम सबसे तेज होगा राम सबसे तेज होगा ठीक है ये चीज याद रखेगा रैम सबसे तेज होगा हमारा इसके अलावा एक और नई टेक्नोलॉजी भी आई है जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है आप सभी लोगों ने नाम सुना है कभी इसका एन ए एस एन ए एस टेक्नोलॉजी भी आप लोगों की आई है ये लेटेस्ट है देखो आज तक मैंने आपको सारे बताए हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा हमने कोशिश की कि हम आगे ही पढ़े कुछ है ना हम कुछ बेहतर ही पढ़े कुछ नया ही पढ़े तो एक और टर्म मैं आप लोगों को आज पूछना चाह रही हूँ एन ए एस ये जो एन है एच और एस जो है आप लोगों का उसको रिप्लेस करने की एक नई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने यूज करी है एन कोई मुझे इसकी फुल फॉर्म बता सकता है वोट डू यू मीन बाई एन जो आप लोगों का एन होता है वो होता है आप लोगों का नेटवर्क एसोसिएटेड स्टोरेज क्या होता है नेटवर्क एसोसिएटेड स्टोरेज ये जो स्टोरेज है ये क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक नया रेजोल्यूशन के तौर पर लिया गया है ठीक है ना नेटवर्क एसोसिएटेड या फिर नेटवर्क अटैच स्टोरेज ये आप लोगों का लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में उसमें आप लोगों का एक मेमोरी डिवाइस के नाम पे आप इसको मान सकते हो जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव थी सॉलिड स्टेट ड्राइव थी ब्लू रे ड्राइव आई वैसे ही अब आज के जमाने में एनएएस ड्राइव आती है नेटवर्क अटैच्ड ड्राइव्स फुल फॉर्म याद रखिएगा नया चीज बताए कॉपी की हेडलाइन पे लिख लीजिएगा ठीक है अब मुझे एक बात बताइए मैं आपसे ये पूछूं कि क्या मैम हमारा जो एनएसउड ही है, है नहीं क्लाउड क्या होता है इंटरनेट पे होता है मेटाफर है इंटरनेट के लिए एनएस क्या है आप अपने घर पे लेके आ सकते हो तो आप ये मान सकते हो छोटा सा वर्जन है उसका हाँ बट इसका ये बिल्कुल सही बात है कि ये किसके लिए बनाया गया है ये उसी के लिए बनाया गया है है ना उसी टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बनाया गया है ठीक है अगर मैं पैसों की बात करूं तो क्या ये महंगा आता है देखो सबसे महंगा आज के टाइम पे आपकी आती है एस सबसे महंगी अभी भी एस आती है उसके बाद में आपकी ब्लू रे डिवाइस महंगी आती है और फिर उसके बाद में सबसे कम कॉस्ट होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात नेक्स्ट क्वेश्चन मेंपज कंप्यूटर मस्ट सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है जी बहुत बेसिक। ही बेसिक जय हिंद निधि जी बताइए जी मुझे यहां पर आंसर बताइए जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनते जनरल पर्पस जैसे हमारे घरों में होते हैं जैसे ऑफिस में लगे होते हैं कोई स्पेशलाइज वर्जन नहीं है इनका स्पेशल वर्जन कैसे हो सकते हैं मैम मेन फ्रेम हो सकता है है ना जी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लगे हो वो कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो खास काम के लिए बनाए जाए है ना अब यहां पर मैं कह रही हूं कि क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल होना कंपल्सरी है यार ऑब्वियस बात है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो काम ही नहीं चलेगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है मैम ह्यूमन और कंप्यूटर के के बीच के अंदर का एक का एक इंटरफेस है है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल वो मैन की बात को भी समझ जाता है और मशीन की बात को भी समझ जाता है तो क्या मैं यहां पर बोल सकती हूँ कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन होने वाला है ये बिल्कुल सही बात है दोनों के बीच में बिकॉज लगाइए आपको करेक्ट रीजन मिल जाएगा ठीक है कभी कभी क्या होता है हमारे सामने इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से वो क्वेश्चन गलत कराते हैं कि यार नहीं ओवर थिंकिंग जिसको हम लोग बोलते नहीं यार ये तो नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं ठीक है ना याद रखेंगे बढ़िया सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल लेट्स कौन इसे सही करता है चलिए यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटी रैंक फ्रॉम लार्जेस्ट कैपेसिटी टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटी देखो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे बताना है और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करवाया है दोबारा से रिवाइज करते हैं आप लोगों के पास में मिलियन है किलो है गीगा है टेरा है सारे बाइट्स में है मैं क्या कर सकती हूँ मैं सबको बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ कैसे कर सकती हूँ ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1500 मिलियन में कितने होते हैं? दो की पावर बीस होता है कितना होता है दो की पावर बीस होता है अगर आप इसको दस की पावर में रखना चाहोगे तो दस की पावर छह बाइट हो जाएगा आगे देखो ये होगा मैम पांच किलो है तो किलो में आएगा टेन की पावर थ्री और ये बाइट में हो जाएगा ये गीगा है तो वन मल्टीप्लाई बाई गीगा में कितना होता है मैम टेन की पावर नाइन बाइट होता है फिर आता है टेरा तो आपका कितना होता है ये टू मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर ट्वेल्व बाइट हो जाएगा सबसे पहले तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम लोगों को इसे बाइट में देखो कभी भी कितनी भी चीजों में कंपैरिजन अगर करना होता है तो हमें उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है सेम ग्राउंड पे लेके आओ पता चल रहा है रेस में आप देखना चाहते हो कौन जीता एक ने रेस आगे से शुरू करी एक ने पीछे से शुरू करी ऐसे थोड़ी होता है चीटिंग थोड़ी कर सकते हो मैम सबको सेम से स्टार्ट करवाओ तो मैंने सबको सेम बाइट में कन्वर्ट कर लिया अब मुझे पता है कि मेरे पास में किलो होता है है ना किलो होता है फिर मेगा होता है फिर गीगा होता है फिर टेरा होता है फिर पेटा होता है फिर एग्जा होता है ऐसे हम लोग आगे जाते हैं है ना तो मैम आप देखिए यहाँ पर मुझे पता है दस की पावर तीन दस की पावर छ ये गीगा है तो गीगा कितना होता है दस की पावर नौ दस में तीन तीन पावर बढ़ती है और दो की पावर अगर चढ़ाऊंगी तो दस दस पावर बढ़ेगी अब यहां पर देखो आपके लिए क्या हो जाएगा ये टेन है की पावर ट्वेल्व है ये टेन की पावर नाइन है ये टेन की पावर थ्री है और ये कितना है अगर मैं इसका पंद्रह के भी दो जीरो वापस ले लू इससे तो ये कितना हो जाएगा तो क्या हो जाता है कभी कभी टेन की पावर थ्री बाइट ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर सिक्स तो पहले था ही फिर इसके बाद टेन की पावर एट पंद्रह सौ के भी दो जीरो मैंने ले लिए ठीक है जी क्या अब तो सीधा सीधा मैम पता चल गया नहीं नहीं देखिए प्लीज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कभी भी ऐसी गलती मत करना ऐसी गलती मत करना कि डायरेक्टली आप लोग करके जाओ आ, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि कोशिश करिए कि आप क्या करें आप पहले इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करें भले जितना सिंपल हो जितना हार्ड हो अब यहाँ पर देख सकते हो टेन की पावर ट्वेल्व है ये टेन की पावर नाइन है ये टेन की पावर थ्री और ये टेन की पावर एट है अब मैं करेक्ट ऑर्डर इसका लगा सकती हूँ ठीक है जी बिल्कुल वेरी गुड सत्यम जी बोल रहे हैं कि पंद्रह सौ एम का मतलब होता है डेढ़ जी बी ये भी बिल्कुल सही बात है और वही चीज हमने यहाँ पर निकाली है आप में से ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया था डी और वो गलत आंसर है ठीक है जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है डी उनका आंसर गलत है जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है क्योंकि आपने डायरेक्टली क्या किया देखिए मैम हम देखें सबसे बड़ा जो है वो टेरा होगा फिर गीगा आएगा फिर मिलियन आएगा फिर किलो आएगा और आप लोग इसने डी आंसर कर रहे हो वही चीज समझाने की कोशिश करूं कि आपका आंसर गलत आएगा आपका आंसर गलत आएगा ठीक है जी तो टेन की पावर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे पावर्स में ठीक है या फिर दिमाग भी लगा सकते हो जैसे कि रूपांशी होता है जो कि तो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं लगाएंगे ये फ्री के नंबर है पर इसमें जल्दीबाजी लगा के गलत नहीं करके आएंगे एक यूनिट में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे देखो ठीक है एक यूनिट में कन्वर्ट करूंगी पहले उसके बाद ही सॉल्व करूंगी उसके बाद ही सॉल्व करूंगी ठीक है जी किसी को कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बढ़िया मजेदार सवाल है और ये मैं भी पहले करा चुकी हूं जल्दी से मुझे इसका डेसिमल कन्वर्जन करके दिखा दीजिए यहां पर आप लोगों को बोला है एक तो सिक्सटी सेवन पॉइंट है आपको पता है इस नंबर को जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के पहले वाले को अलग से करना होगा और डेसिमल के बाद वाले को मैम अलग से करना होगा डेसिमल के जो पहले वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं ये देखो डेसिमल पॉइंट है मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रही हूं हम क्या करते हैं है? मैम हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं दो की पावर बढ़ाते हैं देखो दो की पावर जीरो दो की पावर वन दो की पावर टू दो की पावर तीन ऐसे लिखते हैं ना मैम ऐसे लिखते हुए चलते हैं दो की पावर चार है ना जी दो की पावर पाँच दो की पावर छः ऐसे चलते हैं और जब मैम डेसिमल के बाद वाले को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं दो की पावर माइनस में बढ़ाते हुए कैसे अब दो की पावर माइनस जीरो तो कुछ होता नहीं माइनस वन दो की पावर माइनस टू दो की पावर माइनस थ्री दो की पावर माइनस फोर ऐसे चलते हैं है ना डेसिमल के बाद वाला क्यों डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शन नंबर को शो करता है ना फ्रैक्शनल पार्ट को शो करता है अब आपको भी पता है लेफ्ट में तो सिक्सटी सेवन लिखना है और टू की पावर सिक्स जो है वो आपका सिक्सटी फोर होता है तो आपको सिक्सटी फोर लेना पड़ेगा थर्टी टू नहीं लेना है सिक्सटीन नहीं लेना है ठीक है ना उसके बाद में आपका कितना आ गया था सिक्सटी फोर आ गया तीन और लेना है तो आपने सिक्सटी फोर लिया आपने थर्टी टू नहीं लिया आपने सिक्सटीन नहीं लिया आपने एट नहीं लिया आपने फोर भी नहीं लिया और आपने क्या लिया टू लिया और वन लिया क्या मेरे को ये आता है देखो मैं ऐसे कर सकती हूं आपको अगर नहीं लगता है ये कंफर्टेबल तो आप सिक्सटी सेवन का दो से एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद में उल्टी गाड़ी चलाओगे तो भी यही आंसर आएगा दोनों में से किसी भी तरीके से करो आंसर तो यही आएगा ठीक है ना मैम इसी के बिहाफ पर देखो दो में तो टोनी कक्कड़ जी आ सकते हैं अब बच गए दो ऑप्शन उनमें से हम डेसिमल वाले को देख लें जरा आइए डेसिमल वाले को देख लेते हैं जब डेसिमल वाले में टू की पावर माइनस में चलती है तो एक्चुअली में अगर मुझे बताओ हूँ मैम कि टू की पावर माइनस वन का मतलब वन बाई टू और वन बाई टू का मतलब होता है जीरो पॉइंट फाइव और हर बार जीरो पॉइंट फाइव से मैं मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ तो पहला जीरो पॉइंट फाइव आएगा फिर जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा फिर उसके बाद में क्या आएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव आएगा सही है ना हर बार पॉइंट फाइव से ही तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पर हर बार टू से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हर बार 2, से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टू की पावर माइनस टू वन अपॉइंट टू की पावर टू वन अपॉइंट फोर और आपको बनाना है सिक्स टू फाइव देखो टू फाइव बनाने के लिए एक सौ पच्चीस में पॉइंट पांच एड कर दो तो ये चाहिए ये नहीं चाहिए और ये चाहिए यानी कि वन जीरो वन मुझे जो चाहिए होता है सम बनाने के लिए उसके नीचे वन जो नहीं चाहिए होता उसके नीचे जीरो काम खत्म उल्टी गाड़ी चलाना सही रहेगा कोई बात नहीं अगर कोई सी वाला बच्चा है तो उसको तो पता होगा ये मैंने क्या किया है हमको याद होना चाहिए ना ये तो बेसिक है सिक्सटी सेवन लिखना है तो नियरेस्ट क्या है सिक्सटी फोर है मेरे पास में तो मैंने उसकी भी आशे कर दिया आपको गाड़ी चलाना है उल्टी गाड़ी चला लो बढ़िया रहेगा कोई दिक्कत नहीं आंसर आना चाहिए आंसर आना चाहिए आंसर आ जाएगा इससे ठीक है ना टू की सिक्सटी सेवन से एलसीएम निकालोगे फिर जो है नीचे की वैल्यू कब तक निकालोगे जब तक मैम वन ईयर जीरो नहीं आ जाता है और इधर क्या करना है सीधा-सीधा मैम आपको 0.5 के मल्टीपल्स लिखने हैं 0.5 के मल्टीपल्स लिखने होते हैं लेफ्ट से राइट बस इतना याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी आईसीटी का सिटीजनशिप के अंदर क्या रोल है बहुत ही अनगेन कंफ्यूजिंग सवाल हाँ भाई रोड पे नहीं चलना उल्टी गाड़ी बोलो अदिति मैम ने सिखाया था सिर्फ और सिर्फ पेपर में चलानी है

क्रेडिट्स आप लोगों के अकेडमिक बैंक बनाने की बात नई एजुकेशन पॉलिसी में बोली गई थी जहां पर आप क्या कर सकते हो जहां पर आप अपने सारे क्रेडिट सारे सर्टिफिकेट्स को स्टोर करके रख सकते हो जैसे कि अकाउंट बनाते हैं हम बैंक में जाके याद आ रहा है क्या अकेडमिक बैंक बना सकते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी में ये चीज आई थी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास में और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें मैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या रख सकती हूँ एक डिजी लॉकर नाम की जगह पे रख सकती हूँ है ना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपके पास में होती है जो पब्लिकली एक्सेसिबल होती है हमारे पास में आज के जमाने में हमें लाइब्रेरी जाके पढ़ने की जरूरत करते ही नहीं है मैम हम क्या कर सकते घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं तो वो सारी चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना हमारे लिए किस में आएगा क्या हमारे सिटीजनशिप में आएगा या सिटीजन के लिए राइट है ये है ना सिटीजन के लिए राइट है ठीक <coughs> है ऑनलाइन पेमेंट करना ये भी बिल्कुल मैम क्या है आपके सिटीजन के लिए है सभी के लिए यूजफुल है जैसे आप सभी को तो पता ही है ना हमारे पास में भीम ऐप है हमारे पास में और भी बहुत सारी ऐप्स है भारत पे फोन पे बहुत सारी चीजें हैं ये जो सारी की सारी है ये किस में आती है मैम नेशनल ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल्स में आती है, है ना जी भीम ऐप की कोई फॉर्म मुझे अगर बता दे तो उसको पार्टी भीम ऐप की फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होती है भीम की फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी लोग आज के जमाने में यूज करते हैं भाई ये सारे के सारे एप्लीकेशन सा आप लोग यूज करते हो ठीक है ना नेशनल डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स है आप लोगों के तो ये ऑनलाइन पेमेंट्स भी इसमें आ जाएगा फिर तो सी ऑप्शन कह रहा है बेटिकल बेटर मेडिकल एजुकेशन अक्रॉस कंट्री देखो अब आप बोलोगे कि मैम यहां पर ये वाली चीज भी जो है ये चीज भी आप लोगों के सिटीजन के लिए बनी है बिल्कुल बनी है रोल ऑफ पर रोल ऑफ इन सिटीजन सर्विसेज की बात की जा रही है और एजुकेशन जो है वो आपका क्या है वो तो आता भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है है सभी के लिए नहीं है। और हायर एजुकेशन तो स्पेशली नहीं है ये किन के लिए है मेडिकल एजुकेशन की बात हो गई हायर एजुकेशन की बात हो रही है ये सभी सिटीजन के लिए नहीं है जो यूज करना चाहते हैं उनके लिए है तो ये सिटीजन सर्विस नहीं है ये एजुकेशनल एनहांसमेंट सर्विस है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहां नहीं आएगा बस यही गलती सबने करी थी क्योंकि हमको ऑल ऑफ दी अबव बेस्ट लगता है इसमें वो लगाए जाते हैं यहां पर वो आंसर गलत हो जाएगा नेशनल पेमेंट सर्विसेज भारत इंटरफेस फॉर मनी चलिए बहुत बढ़िया बात है कब आई थी भीम ये भी बता दीजिए कि भीम कब आई थी भारत इंटरफेस फॉर मनी बहुत ही बढ़िया बात है ठीक है ना एनपीसी और यूपीआई ये भी इन्हीं से रिलेटेड है कब आया था 2016 में आया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हाँ वो तो मुझे लग ही रहा है तुरंत सर्च करके बता ही देते हैं हम ठीक है ना आप लोगों का एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 के अंदर आई थी मंथ तो मुझे याद नहीं है आप लोग देख लीजिएगा वैसे मंथ तो नहीं पूछेगा और भीम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी ठीक है और अभी अपना ये भारत पे भी बड़ा न्यूज में चल रहा है आपको पता हो तो क्यों शार्क टैंक में वो एक ओनर थे ना ग्रोवर साहब अब तो नहीं इस सीजन में तो नहीं पिछले सीजन में थे उन्होंने भारत पे बनाया था तब से वो बहुत फेमस चल रहा है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यूजीसी नेट में वो भी एक तरीके का यूपीआई है है ना आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स रैंक फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इन द टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम मेमोरी हायर की का मैं एक ही टॉपिक है आईसीटी में जिसमें मैं हमेशा हंड्रेड परसेंट गारंटी आपको देती हूँ कि एक सवाल बनेगा बनेगा दैट इज मेमोरी हायर की और अगेन आप लोग देख लीजिए अभी से दो क्वेश्चन पहले भी मेमोरी हायर की था अभी यहाँ पर भी मेमोरी हायर की आ गया है क्वेश्चन आपसे ही बोल रहा है एक्सेस टाइम के टर्म्स में एक्सेस टाइम फास्टेस्ट से स्लोएस्ट बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है एक्सेस टाइम का यानी कि जो सबसे तेज है उसका एक्सेस टाइम क्या होगा सबसे कम होगा सबसे एक, कम एक्सेस टाइम किस में लगेगा कैश में सबसे कम क्यों सबसे ऊपर कैश आती है उसके बाद में आती है रैम उसके बाद में आएंगी ऑप्टिकल ड्राइव और फिर आएंगी एसएसडीज या फिर पहले एस आएगी और ऑप्टिकल ड्राइव आएगी सिर्फ दो में कंफ्यूजन है बाकी आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो देखू सी डी अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी किसकी एस की और ब्लू रे की ब्लू रे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसने डीवीडी को रिप्लेस किया है डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क ऑप्टिकल फॉर्म का डेटा जिसके अंदर हम रख सकते हैं ठीक है ना तो हमारे पास में लेवल वन कैश लेवल टू कैश लेवल थ्री कैश ठीक है उसके 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 बाद 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 में 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 रैम रोम फ्लैश ड्राइव्स इसके नीचे आएंगी है ना ये फ्लैश ड्राइव यहाँ आएंगी फ्लैश ड्राइव और फ्लैश ड्राइव क्या होती है ब्लू रे टेक्नोलॉजी से बनती है आज के पेन ड्राइव जो होती है आप लोगों की दैट इज ब्लू रे फिर एस एस डी फिर एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव फिर उसके बाद में मैग्नेटिक टेप्स मैग्नेटिक डिस्क फिर मैग्नेटिक टेप्स एक ही बात है ये ये क्या है है मैम आप सभी लोगों का ऑर्डर सबसे ऊपर इनके भी ऊपर रजिस्टर्स है ना ये तो क्या है सीपीयू के अंदर ही लगे हुए हैं रजिस्टर्स लेवल वन कैश लेवल टू कैश लेवल थ्री कैश देन रैम आप लोगों की देन रोम हो गई देन आप लोगों का फ्लैश ड्राइव ब्लू रे हो गई एस एस डी हो गया एच डी डी हो गया मैग्नेटिक टेप्स हो गया ये क्या है मेमोरी हार्ड है सबसे कम एक्सेस टाइम से लेकर सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम में तो बस आपको उल्टा ही लगाना था सबसे कम एक्सेस टाइम तो फास्टेस्ट कैश ठीक है हटाइए उसके बाद में रैम हटाइए वैसे तो एस और उसका कंफ्यूजन ही नहीं आएगा आपको अगर आपको ये भी पता है तो ठीक है सही है सभी को समझ में आ गया ऑप्टिकल डिस्क कहां आएगी ऑप्टिकल डिस्क एस के ऊपर आएगी ठीक है अच्छा इसमें एक और चीज आ जाएगी अगर मैं आप लोगों को सी डी रोम लिख कर दू तो कहाँ आएगी नीचे आएगी एस एस डी से नीचे आएगी सीडी रोम ठीक है ना ये भी सेकेंडरी मेमोरी और स्लो मेमोरी होती है सीडी बहुत ही प्राचीन समय वाली टेक्नोलॉजी हो गई बहुत ही प्राचीन ठीक है महाराणा प्रताप के टाइम पे यूज होती थी अब तो आज के जमाने में अगर हम कंपेयर करें तो है ना हम भी नहीं यूज करते हैं सीडीज तो खाली सीडीज बस स्कूल प्रोजेक्ट में कॉलेज प्रोजेक्ट में दिए हमने वर्चुअल हार्ड ड्राइव का पार्ट है बस ये देख लो सारे एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी आप पढ़ पढ़ के आ जाते हैं वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ही अलग से एक मेमोरी रखी जाती है वर्चुअल मेमोरी यहाँ नहीं आएगी कहीं भी नहीं आएगी यहाँ नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल आया है आपको यहां पर मैचिंग भी करनी है मैचिंग मैचिंग खेलना है अच्छा वेब टू पॉइंट ओ वेब थ्री पॉइंट ओ वेब की सारी की सारी जनरेशन अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी अभी आईसीटी वाले हमारे पेड बैच के अंदर भी पढ़ाई थी अभी अभी पढ़ी है हमने रिसेंटली भाई इसका तो बताइए जी सही सही बताओ देखो जनरेशन आप लोगों की तीन लेवल पे हमको पढ़नी है जनरेशन हम लोगों को पढ़ने हैं कंप्यूटर्स की यानी कि प्रोसेसर्स की जनरेशन सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आया फिर ट्रांजिस्टर्स आया फिर आईसीज आए फिर वेरी लार्ज स्केल आईसीज आए फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज आ गए है ना इसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स भी बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर ये याद रखने हैं आप लोगों को जनरेशन ऑफ प्रोसेसर एक जनरेशन और जो याद रखनी है वो लैंग्वेज की याद रखनी है सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई जीरो और वन वाली तो उसके बाद में असेंबली आई है ना आपके निमोनिक कोड्स वाली शॉर्ट फॉर्म्स वाली उसके बाद में आप लोगों के पास में प्रोसीजरल लैंग्वेज आई जैसे कि सी फिर उसके बाद में आई सी प्लस प्लस उसके बाद में मैम आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट इज जावा फिर आई ह्यूमन इंटरफेस वाली जावा के बाद पाइथन अब आज के टाइम पे प्रोलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेजेस चलती है ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस तो लैंग्वेज की जनरेशन कंप्यूटर की प्रोसेसर की जनरेशन और एक जो चीज याद रखनी है वो वेब की जनरेशन वेब 1.0 2.0 3.0 4.0 और 5.0 हमने तो 5.0 तक पढ़ी है आपके एग्जाम में तो देखो यहाँ 2.0 तक ही पूछी जा रही है कोई मुझे बता सकता है क्या कौन सी किस में आएगी कोई को याद हो जनरेशन यहाँ पर मुझे बता सकता है <coughs> एक डायग्राम भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था वेब 1.0 2.0 3.0 ओ वेब सॉरी क्रॉल वॉक रन करके मैंने आप लोगों से एक डायग्राम भी शेयर किया था ठीक है ये पीडीएफ में दोबारा से आप लोगों से आज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आईसीटी की जेनरेशन वाला तो प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा मैंने इसमें तीनों टाइप की जेनरेशन पढ़ाई है है ना जो पेड़ वाला पीडीएफ है वो मैं अभी शेयर कर दूंगी आपसे टेंशन मत लीजिए ठीक है ना तो आप लोगों का जो सबसे पहला था वो था क्रॉल वेब वन पॉइंट ओ ये किस पे था नॉर्मल एच टी एम एल के ऊपर जैसे स्टैटिक वेब पेजेस आप लोग लेके आ सकते थे वेब पे जाके स्टैटिक वेब पेजेस के लिए यूज होता था रीड ओनली वर्जन फिर उसके बाद में हमको ज्यादा जरूरत पड़ी मैम रीड के साथ में राइट वाला काम भी चाहिए हमको जैसे विकीपीडिया आया है ना तो मैम हमको क्या करें यूज करना पड़ा हम लोगों को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यूज करने पड़े हम लोगों को XML यूज करना पड़ा, पड़ा एक, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हमारी आई ये ये क्या थी ये आप लोगों की इंटरएक्टिव एडवर्टाइजमेंट वाले जमाना जब आ गया था उसके बाद में हमारे पास में आया रनिंग वाला फेज वेब थ्री पॉइंट ओ वेब थ्री पॉइंट ओ किसके अंदर आ गया मैम बिहेवियर में आ गया यूजर ओरिएंटेड इंटरएक्टिव एप्लीकेशन आप लोगों की बनने लगी है ना जिसमें आप लोगों को सीमेंटिक वेब मीनिंग ओरिएंटेड चीजें होने लगी यहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ आज के जमाने में तो हम डेटा साइंस पे पहुंच गए हैं आज के टाइम पे तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास में क्या है यूजर का एंगेजमेंट है ठीक है जी तो पहले के जमाने में वेब वन में हम रीड ओनली फिर हम लोग विकीपीडिया टाइप राइट ओनली पे आए अब हमको क्या चाहिए और ज्यादा इंटर एक्टिव एप्लीकेशन चाहिए तो हमारे पास पोर्टल है पर्सनल हैंडल्स हैं ब्लॉग्स हैं ये सारी चीजें स्मार्ट एप्लीकेशंस जिसको आप लोग बोलते हो ये सारी चीजें हमारे पास आई थी सब चीजें लिख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद में हमारे पास में सीमेंटिक के बाद में कौन सा आया उसके बाद में मेरे पास में वेब ऑफ थिंग्स आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाद में क्या आया वेब ऑफ थिंग्स फिर आया वेब ऑफ थॉट्स आज के जमाने में जिसको हम डेटा साइंस लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं ठीक है तो ये चीज मैं लिख भी देती हूं आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है सबसे पहले आया था वेब ऑफ कंटेंट आज के जमाने में हम कहां पहुंच गए हैं वेब ऑफ Thoughts पर पहुंच गए हैं इससे आपके एग्जाम में बड़े अच्छे हाँ जी एलेक्सा का जमाना वो तो वर्चुअल हो गए हमारे ये भी कब आए थे ये भी आप लोगों के वेब थ्री सीमेंटिक वेब के अंदर ही आए थे ठीक है ना फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा हमने पढ़ा मैम वेब ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग वेब ऑफ कम्युनिकेशन में आए वेब ऑफ थॉट पे हम ये हमारा वेब फाइव पॉइंट ओ है इसके बाद भी आ गया है, अच्छा इससे पहले आपको पता है कि हमारे पास में आईओटी का इन्वेंशन हुआ था तो हमारे पास है वेब ऑफ थिंग्स वेब ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीनिंगफुल वेब वेब वन पॉइंट ओ टू पॉइंट ओ थ्री पॉइंट ओ फोर पॉइंट ओ And तो वही सोल्व करिए और मुझे बताइए क्या इसका आंसर आना चाहिए था एच टी एम एल अच्छा सीमेंटिक वेब लिखा है तो सीमेंटिक वेब तो हम लोग डायरेक्टली रिलेट करेंगे ऑप्शन नंबर सी से है न? आपके पास है यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स ये हमारा होता है वॉइस वॉइस ओवर ओवर इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर डी राइट एक और होता है वोल्ट आपके फोन में जब टावर बना हुआ आता है वाईफाई का सिंबल आता है फिर एक टावर बना हुआ भी आता है उसके पड़ोस में लिखा हुआ आता है कभी कभी आज जैसे आज के जमाने में फाइव लिखा होता है फोर लिखा आता है वैसे लिखा आता था ना वोल्ट है ना वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ये इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड की वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करते हुए भी आप फोन कॉल पे बात कर सकते हो आज के ज़माने में जब नया नया ऐसा था तब ऐसा नहीं कर सकते थे और पहले के ज़माने में व्हाट्सएप कॉल के अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं थी जितनी आज के ज़माने में क्यों हम वोल्ट यूज़ करते हैं अब ठीक है फिर हमारा बन गया लैंग्वेजेस जो क्रिएट करती है वेब पेजेस को वो तो एच है आज के ज़माने में लेटेस्ट कौन सी एच चल रही है एच टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल ठीक है ना ये पुराना जमाना हो गया है ये एंशियंट टाइम का था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फिफ्थ वर्जन आ गया है इसके साथ में कास्केटिंग स्टाइल शीट सी एस एस है ना पी एच पी पर्सनल होम पेज या पीएचपी मतलब प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट ऐसी चीजें हम लोग अब यूज करने लग गए हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेजेस आपकी यूज करने लग गए हैं तो उससे क्या होता है हमारा वेब पेजे स्टैटिक भी लगता है डायनेमिक भी लगता है और ज्यादा हमको क्या लगता है अट्रैक्टिव लगता है और कोलैबोरेटिव वेब कौन सा है आप लोगों का अभी बताया ही दी वेब ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है हमारा बहुत बढ़िया बात है अभी भी शो हो रहा है तो आप लोगों का तो इससे आप रिलेट कर करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे यही मैच किया था ना मैंने देखिए वन बहुत सारी चीजें मैंने एक ही में बता दी है प्लीज इसको याद रखेगा अगर आपने फुल फॉर्म नहीं लिखी है तो लिख लीजिएगा है ना वोल्ट की क्या होती है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है ये है ना इसमें और कुछ मत लगाया ना पिछले साल इसी पे आ गया था फुल फॉर्म के अंदर बस लास्ट वाली फुल फॉर्म का वर्ड गलत दे दिया था एवोल्यूशन है ना एल्यूशन एलिवेशन ऐसा कुछ आ गया था तो वो ही चेक करना है आपको और एक है वीओ आई पी भी बताया मैंने वीओ आई पी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बाकी तो बताइए आपको मैम मेलवेयर का भी क्वेश्चन लाइएगा प्लीज इवैल्यूएशन हाँ हाँ रूपांशी थैंक यू इवैल्यूएशन आ गया था इवेल्यूएशन इवोल्यूशन होता है आइए जी मैचिंग मैचिंग फिर से खेलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव है रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी है read only memory है रीड ओनली सीआरटी मॉनिटर यानी कि कैथोड रे ट्यूब नेक्स्ट कैथोड रे ट्यूब ये किसके लिए यूज होता है मैम ये यूज होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स के डिजाइनिंग के लिए डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा याद आ गया है सीआरटी मॉनिटर पहले के जमाने के मोटे वाले मॉनिटर्स है ना और डब्बे वाले मॉनिटर्स वो सीआरटी टेक्नोलॉजी पे बनते थे आज के टाइम पे ऐसे नहीं बनते हैं आज पे तो प्लाज्मा मॉनिटर्स आ गए फिर उसके बाद में एलसीडी आ गया फिर उसके बाद में एलईडीज आ गए अब तो हमारे पास में ऑप्टिकल एलईडीज आ गए हैं है ना और वो भी कर्व के साथ में तो आज के जमाने में तो हम बहुत आगे चले गए बता दीजिए भाई क्या क्या होगा देखो वीडियो डिस्प्ले यूनिट देखिए मैंने वही बता दिया आपको कैथोड रे ट्यूब ठीक है मेमोरी कौन सी होती है मैम आप लोगों की रैम जो है वो वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्यों होती है अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को सेव नहीं किया रैम में रखा हुआ डेटा प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ डेटा या मेन मेमोरी में, में रखा हुआ डेटा परमानेंट नहीं होता है डिलीट हो जाएगा जैसे लाइट्स गई डेटा उड़ गया हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सटर्नल मेमोरी होती है क्या मेरी और रोम जो होती है वो ओनली रीड ओनली है यानी कि नॉन राइटेबल मेमोरी होती है आज का एक बहुत ही बढ़िया होमवर्क सवाल आप सभी लोगों के लिए ताजा ताजा मैं दे रही हूं क्लास खत्म नहीं हुई है होमवर्क सवाल पहले सुन लो आप सभी लोगों को मुझे बताना है रोम पर एक ऐसा प्रोग्राम रखा होता है रोम पर एक ऐसा प्रोग्राम रखा होता है जिस प्रोग्राम के बिना आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता क्या बोल रही हूं रोम पर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम रखा होता है जिसके बिना मेरा प्रोग्राम या मेरा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता काम ही नहीं कर सकता उस प्रोग्राम का नाम क्या है और पिटाई लगाऊंगी लाइव चैट पे आंसर नहीं देना है कमेंट सेक्शन में आंसर देना है ठीक है मैं पहले ही बता दी हूं कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना है या नहीं देना है मैंने पिटाई लगानी है ज्योति और पूजा की तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर अरे 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 मैं कितने लोगों की पिटाई लगाऊं अरे सच्ची बता दो तुम मैं ऑफलाइन आऊ कभी अब तो ऑफलाइन खुल भी गया है तुम्हारे तो ऑफलाइन पिटाई लगानी चाहिए सबकी मना कर रही हूँ सुनी नहीं रहे अरे ढीट प्राणियों तुम्हारा नाम ही लगा देती हूँ इस बैच में पिछले बैच तक चापली चल रहे थे इस बैच में नया नामकरण कर देते तुम्हारा ढीट प्राणियों एकदम ही ढीट लोग आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूरी डिटेल भी लिख दे रूपांशी इतना जब लिखी दिया डिटेल में ब्रैकेट में पूरा बता भी दे समझा भी दे चला के भी दिखा दे वो प्रोग्राम पूरा आंसर बता दो सबको और वीडियो हो जाए लाइक ठीक है कंजूसी नहीं करनी है जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें आ जाओ जी आपसे ही कह रहे हैं वेब ब्राउजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर A search engine is a special kind of website that helps people in finding web pages from other websites. बताओ बताओ देखिए जी आपका web browser और आप लोगों का search engine है ना ये क्या चला रहा है ये बिल्कुल आपने वो मूवी देखी है जोश मूवी ईगल गैंग और बिच्छू गैंग है बचपन से इनका दि, बिल्कुल ही डिफरेंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाने लगा है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इन दोनों टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है देखो आपका ये क्या है आपका ये क्लाइंट मशीन है कौन है ये ये क्लाइंट है मिस्टर चप्लू जी को बुला ले क्या ये मिस्टर चप्पलू जी है ये आपके क्लाइंट है मिस्टर चप्पलू जी को क्या करना है बात करनी है ये सर्वर है सर्वर सर्वर है 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 मिस्टर मिस्टर जी जी के के मालिक पास में बड़ा सारा डेटा है थी, बहुत सारा डेटा है इनके पास में और इसको क्या चाहिए इसको डेटा चाहिए तो इसके पास में क्या होता है क्लाइंट पे रिसाइड करने वाला एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेब ब्राउजर देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ब्राउजर इंटरनेट पर जब हम कोई भी डेटा ढूंढते हैं कुछ भी ढूंढते हैं वेब पेज ढूंढते हैं ना उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग ब्राउजिंग कहते हो ना उसे या फिर एक और नाम से जानते हो सर्फिंग क्यों क्योंकि ये जो सर्वर है मिस्टर पपलू जी जो है ये कहाँ है मैम ये एक बड़ी सी दुनिया में है जो है हमारा इंटरनेट हमारी बड़ी सी दुनिया वेब की दुनिया के अंदर रखा हुआ एक नोड है टर्मिनल है कंप्यूटर है सर्वर जिसको बोलते हैं जिसके पास भी डेटा है जो भी देने के योग्य है वो क्या है सर्वर है जो सर्विस दे सकता है जो सर्विस लेता है है ना जी जिसका हाथ हमेशा ऐसे होता है वो क्लाइंट होता है जिसका ऐसे होता है वो सर्वर होता है और ऐसा करते ही नहीं लिखा कि कोई क्लाइंट कभी सर्वर नहीं बन सकता ठीक है ना पॉलीमोर्फिज्म का जमाना है तो यहाँ पर भैया हम क्या करते हैं मैम यूआरएल लिखते हैं यू आर एल या कुछ भी लिखते हो आप तो बहुत ज्यादा बढ़िया ही लिखते हो है ना फाइंड दिस इन हिंदी इन फुल एच डी फुल क्या क्या लिखते हो तुम लोग तो तो वो सारी चीजें तुम सर्च करके पे जाते हो अब ये, क्या है? ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों के यहाँ पर डिसाइड करने वाली क्या है एक सर्च इंजन है ये एक इंजन है इंजन बोल लो एक तरीके की वेबसाइट है ये जो सर्च इंजन है ये क्या करके रखता है इंडेक्सिंग करके रखता है ये इंडेक्सिंग किसकी मदद से होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से सर्च इंजन इंडेक्सिंग करके रखता है नोटिस करिएगा आप जब भी कोई भी टर्म सर्च करते हो तो उसके शुरू के दस लिंक आपको दिखा देता है वो शुरू के दस लिंक क्या है वो इंडेक्स ही है, है ना सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा विजिटेड है या सबसे ज्यादा उसका एस अच्छे से हो रखा है सबसे अच्छे से ऑप्टेमाइज है आप फिर सबसे पहले उस उसपे क्लिक करोगे ज्यादातर यूजर उसी पे क्लिक करेंगे जो सबसे ऊपर दिखता है क्योंकि हम आलसी लोग होते हैं हमको स्क्रॉल करना में मजा नहीं आता फिर जब फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम नीचे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही कहानी है तो यहाँ पर सर्च इंजन इंडेक्सिंग करता है सर्च इंजन की इंडेक्सिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते, है? करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं करेक्ट टैग लगाना करेक्ट डिस्क्रिप्शन लगाना वेबसाइट को रैंक करवाना इसके पैसे होते हैं बकायदा अलग से फील्ड है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं अब सीन ऐसा है सर्च इंजन जो है वो है एक तरीके की स्पेशलाइज वेबसाइट जो पूरे के पूरे इंटरनेट में मिस्टर पपलू को ढूंढने का काम करता होगा मिस्टर पपलू जैसे और भी बहुत सारे सर्वर्स होंगे उनको ढूंढने का काम करता होगा पर अब ये सर्च इंजन जो है ये मालिक आदमी ये खुद नहीं काम करता ये किन बुलाता है ये बुलाता है क्रॉलर्स को किनको बुलाता है वेब क्रॉलर्स को स्पाइडर्स को स्पाइडर्स। इन दोनों की मदद से ये क्या करता है ये सर्फिंग करता है ब्राउजिंग करता है फिर इंडेक्स में लाके रख देता है एक एक लिंक ठीक है जी फिर जैसे ही आपके जो मिस्टर पपलू जी का डेटा है वो किसके पास चला जाएगा मिस्टर चपलू जी के पास में चला जाएगा हाँ मैं आपके सर्वर हूं आप हमारे बिल्कुल ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है ठीक है जी सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कहां पर करता करता है ये करता है क्लाइंट की मशीन पर वेब ब्राउजर सर्च इंजन क्या है सर्च इंजन एक तरीके की टेक्नोलॉजी एक तरीके का इंजन है एक तरीके का वेबसाइट है जो बाकी सभी कंटेंट को जो कि हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू की बड़ी सी दुनिया में हमारे पास में है उनको क्रॉलर्स और स्पाइडर्स की मदद से ढूंढ के इंडेक्स करके हमारे लिए जमा के रखता है बढ़िया इसको पैसा खिलाओ इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो तो आपका पेज आपकी वेबसाइट भी ऊपर दिखने लग जाएगी समझ रहे हो अच्छा एक और क्वेश्चन यहां पर आप लोगों का बन सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्ल्ड का वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो वर्ल्ड है वर्ल्ड का फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था वर्ल्ड होमवर्क क्वेश्चन है कल मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी और दस क्वेश्चन करवाऊंगी आईसीटी मैराथन पार्ट टू कल भी ग्यारह बजे तो वहां बताएंगे मुझे सभी लोग ये चीज मैं कल ये यहीं से स्टार्ट करूंगी एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ और वो है कुकीज का ये भी आपके एग्जाम में ना बड़ी पूछी जाती है कि कुकीज नाम की क्या चीज होती है देखो मिस्टर पपलू जी और मिस्टर चपलू जी का कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के तौर पर बातचीत हो रही है अभी बातचीत के अंदर जब पहली बार मिस्टर चपलू जी मिस्टर पपलू जी से मिले होंगे तो मिस्टर चपलू जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा हेलो भाई साहब मेरा नाम मिस्टर चपलू है मैं जो है क्लाइंट हूँ आप जो है सर्वर है तो मेरे को ना आपसे थोड़ा डेटा वेटा चाहिए तो थोड़ा एच का यूज़ करिए जी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करिए या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करिए थोड़ा डेटा वेटा दीजिए जी तो मिस्टर पपलू जी बोलेंगे कि देखिए सर हम आपको डेटा देंगे पर पहले हम आपको ऑथेंटिकेट तो कर लें कि आपका नाम जो आप बता रहे हो वो सही है या नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन हम देख ले तो वो सारी चीजें करते समय मिस्टर पप्लू जी क्या करते हैं बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं पप्लू जी बकायदा एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक टोकन बनाते हैं सही है टोकन बना दिया टोकन में क्या लिखा मिस्टर चप्लू जी की सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर चप्लू जी का सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था वो सब लिख लिया मिस्टर पप्लू जी ने अब मिस्टर पपलू जी के पास तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि ये तो सर्वर है चपलू भी आता होगा सपलू भी आ जाता होगा टपलू भी आ जाता होगा मकलू भी आ जाता होगा सभी आ जाते होंगे मैडम अब ये कैसे ये कैसे कैसे पता लगाए या इनको सेव करके सबकी रिकॉर्ड मेंटेन करे इसके पास में कितना तो डेटा ऑलरेडी है सर्वर है कितना डेटा तो ऑलरेडी होस्ट कर रहा है प्लस इनकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करके देखेगा नहीं करता तो ये क्या करता है ये जो चिट्ठी है इस चिट्ठी को वापस भेज देता है किसके पास में चपलू जी के पास में सपलू जी की सपलू जी के पास में मकलू जी की मकलू जी के पास में सबको अपनी अपनी इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन या जो इसने आईडी बनाई है क्या बनाई बनाई है आईडी ID, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो ये इसने लिस्ट थी चिट्ठी बनाई थी कि ये जो है मिस्टर चपलू जी हैं ये जो है मिस्टर सपलू जी हैं और ये इस रिसोर्स के लिए ऑथराइज है ये इस रिसोर्स के लिए ऑथराइज है ऑथेंटिकेशन पहले होता है ऑथोराइजेशन बाद में होता है ऑथोराइजेशन मतलब आप किसी भी सर्वर में जाके क्या काम कर सकते हो रीड कर सकते हो या रीड के साथ राइट भी कर सकते हो जैसे आप जे आर एफा एप्लीकेशन पे जब जाते होंगे तो आप क्लासेस को देख सकते हो बट मेरे पास में क्या है मेरे पास में लॉग इन क्रेडेंशियल किसके हैं मेरे पास में तो अः मतलब समझ गए ना इंटरनल लॉग इन क्रेडेंशियल्स होंगे मैं अलग तरीके से लॉग इन करूंगी आप अलग तरीके से लॉग इन आप यूजर प्रस्पेक्टिव से मैं यूजर परस्पेक्टिव से नहीं लॉग इन करूंगी मेरी ही है एप्लीकेशन है तो जब मैं जाती हूँ तो मैं सब चीजों के लिए ऑथराइज हूँ मैं क्लास देख भी सकती हूँ क्लास बना भी सकती हूँ मैं क्लास हटा भी सकती हूँ है ना जी मैं कोई डेटा भी लिख सकती हूँ सारी इंफॉर्मेशन ही।, तो ही किस फॉर्म में हमारे पास सेव होती है कुकीज फॉर्म के अंदर सेव होती है। और ये जो कुकीज है ये किसके पास में रहती है हमेशा क्लाइंट मशीन पर रिजाइड करती है ये सब होता है ओनली फर्स्ट टाइम अब जैसे ही सेकंड टाइम मिस्टर चपलू जी पहुंच गए मिस्टर पपलू जी के पास मिस्टर पपलू जी अब कुछ नहीं करने वाले या मिस्टर चपलू जी जो है अब वो पूरी पंचायती नहीं देने वाले ठीक है ना वो नहीं बोलेगा कि अरे मेरा नाम चपलू है मैं इसके लिए ऑथोराइज हूँ अरे भाई साहब कुछ नहीं देने वाला मैं अभी तो तुमको सारा इंट्रोडक्शन दिया था तो मिस्टर पपलू जी इनके इस कुकी से जो इनके एच के साथ में ही ट्रेवल करता है

इसको क्या किया इसको इंटरसेप्ट कर दिया चुरा लिया बीच में या इसके अंदर कुछ अपनी तरफ से लिंक विंक डाल दिए डेटा वेटा डाल दिया क्योंकि भैया इंटरनेट है बड़ी दुनिया है है ना सारे अच्छे लोग होंगे ये तो पता नहीं हमको जैसे हमारी दुनिया है करोड़ों लोग हैं हमारे पास अब तो हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड लोग हैं सब अच्छे होंगे जरूरी नहीं कुछ बुरे भी होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं तो ये जो बुरा आदमी है ये मिस्टर पपलू जी का जो कुकी जा रहा था मिस्टर चपलू की तरफ उसमें अपने तरफ से अपने इसने लिंक इंसर्ट कर दिया अब वो लिंक कैसा हो सकता है मैलेशियस हो सकता है मैलिशियस हो सकता है ठीक है जी और वो मैलेशियस चीज आपके मशीन पे चली जाएगी क्लाइंट के और क्लाइंट एक्सप्लॉइट हो जाएगा क्लाइंट पर अटैक हो गया मैलवेयर अटैक हो गया किसी भी तरीके का हो सकता है वॉर्म अटैक वायरस अटैक ठीक है टॉर्जन किसी भी तरीके से हो सकता है ठीक है जी तो आज को आप याद रखें आई होप कि आपको ये सारे कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा थोड़ा यूनिक तरीके से मैं चाहती हूं कि आप इन चीजों को याद रखो ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है आई होप इसके बाद तो पता चल ही गया होगा ठीक है जी इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर भी करेंगे कमेंट करके मैंने आप लोगों से दो सवाल पूछे हैं ठीक है तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे कमेंट करके आंसर बताएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे अब चलते हैं हमारी पेड सेशन के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं तो आइए